इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया है रद्द करने का। दरअसल परीक्षा के दौरान गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिसको देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। कल ही ये परीक्षा हुई थी, लेकिन उसमें गड़बड़ी की बात सामने आई, जिसके बाद इसे कैंसिल कर दिया गया। अब इस मामले की पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी है 18 जून, यानी कि कल ही, बीते कल ही ये एग्जाम हुआ था, लेकिन इसमें भी धांधली का मामला सामने आया, गड़बड़ी के कई आरोप लगे, जिसको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला शिक्षा मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गड़बड़ी के चलते एग्जाम कैंसिल कर दिया है, परीक्षा रद्द हो गई है, इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा जो कल ही कराई गई है, जिसे कल ही छात्रों ने जिस परीक्षा को दिया, आज वो कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि उसमें गड़बड़ी के कई आरोप सामने आ रहे थे, धांधली का आरोप लग रहा था, और इसी के चलते ये फैसला लिया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। तो कल हुई परीक्षा आज रद्द हो गई है, बड़ी खबर इस वक्त की। इससे पहले नीट एग्जाम, नीट रिजल्ट में जिस तरीके के धांधली के आरोप, और अब वो मामला पूरा कोर्ट में भी जा चुका है, और एक और परीक्षा जो आरोपों के दायरे में आ गई है, क्योंकि इसमें भी गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। 18 जून को देश भर में अलग अलग सेंटर्स पर स्टूडेंट्स ने इस परीक्षा को दिया था, लेकिन इसमें कई जगहों पर गड़बड़ी का मामला सामने आया, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया। सीधे रुख करेंगे, नीरज पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, बड़ा फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से ये परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। तीन में आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यूजीसी नेट की जो परीक्षा थी उसको पूरे देश व्यापी, दरअसल 18 तारीख को ये एग्जाम हुआ था, लेकिन 19 तारीख को कई सेंटर्स में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली थी, और जिसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस पूरे मसले गंभीरता से लिया, और पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले की जो शुरुआती जांच में गड़बड़ी की आशंका सामने आई, तो उसके बाद इसको तुरंत आज रद्द करते हुए पूरे मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दिया है, और इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई इस मामले की तह तक जाएगी और ये पता लगाएगी कि एक्चुअल में इसमें क्या गड़बड़ी हुई, कैसे हुआ, लेकिन जो शुरुआती जांच में पता चला कि यूजीसी नेट की कई सेंटर्स में भारी गड़बड़ी हुई, जिसमें परीक्षार्थियों को भी समस्या उठानी पड़ी, और एक कई जगह तो ये पता चला कि बकायदा पेपर्स कंप्रोमाइज थे, यानी कि इसे कहा जा सकता है कि परीक्षा से पहले ही पेपर मार्केट में आ चुके थे। तो ये सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, चूंकि हाल ही में आपने देखा हो कि जिस तरह से एनटीए की तरफ से जो एग्जाम कराया गया उसका नीट की परीक्षा में भी तमाम गड़बड़ियां सामने आई, उन गड़बड़ियों को लेकर पहले ही एनटीए सवालों के घेरे में है, सरकार उसको जवाब देते बच रही है, तमाम चीजों पर घिरी हुई है पहले से ही सरकार, और एक बार फिर यूजीसी नेट की परीक्षा में भी गड़बड़ी सामने आई। तो ऐसे में बच्चों का के विश्वास को जीतने के लिए सरकार ने बहुत ही कड़े कदम उठाए हैं, और सरकार ने इसीलिए आनन फानन में तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है और सीबीआई को जांच सौंप दी गई। जी श्रीन, बिल्कुल शुक्रिया आपका। इस खबर पर नजर आप बनाकर रखिएगा नीरज। तो देखिए, एक बड़ी खबर, बड़ा फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा, जिसे कल ही कराया गया था, लेकिन कई सेंटर्स पर गड़बड़ी के आरोप लगे थे, और इसको लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया, साथ ही जांच सीबीआई को भी सौंप दी गई है।